ओला के फैन बॉयज़ के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ओला की जो प्राइस है वो अपडेट हो चुकी है। दूसरी बात, ओला की जो प्राइस है वो हाइक भी होने वाली है। तीसरी गुड न्यूज़ ये है, फेम 3 में प्राइस कितनी कट ऑफ होगी और कौन सा मॉडल लेने में अभी फ़ायदा है, कौन सा मॉडल लेने में बाद में फ़ायदा है, और सबसे मेन बात कि आपके लिए कौन सा वेरियंट सुटेबल है। और वहीं साथ ही में वीडियो के बीच में एक की टिप होने वाली कि ओला S1 Pro Gen 2 हो गया या ओला S1 X2 kW हो गया, सबकी प्राइस में कितना अंतर आने वाला है। फिलहाल मैं दो मॉडल का नाम लिया, आपको पूरे मॉडल का बताऊंगा, तो वीडियो के बीच में कहीं होने वाला तो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। साथ ही में हम देखेंगे कि अभी आपके लिए सुटेबल कौन सा है और रियल में कौन सा मॉडल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि प्राइस ऑफर ये तो एक साइड है, बट ऐसी गाड़ी जो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना दे और आपके साथ हमेशा रहे, उसकी लाइफ भी लॉन्ग रहे, बैटरी भी अच्छी रहे, पार्ट्स भी इजली अवेलेबल मिल जाए, तो सब कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो टोटली ओला के ऊपर रहने वाला है, प्राइस रेंज जहाँ जहाँ से स्टार्ट है और न्यू प्राइस का क्या अपडेट है, और साथ ही में फेम 3 का क्या प्राइस होगा। तो सबसे पहले हम बात करें S1 Pro Gen 2 का, उसकी एक्सशोरूम प्राइस है 1,31,000 से लेकर 1,33,000 के बीच में। ये स्टेट टू स्टेट वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर जा रहा है। तो इसका एवरेज प्राइस हम मान के चलेंगे 1,32,000 एक्सशोरूम में, उसमें आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 14,000 का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो एवरेज हम मान के चलते हैं 12,000 का आपको इस पर इंश्योरेंस कंपलसरी है, और जो भी ऑन रोड प्राइस निकल के आएगा ना, इसमें आपको 2,000 ज़्यादा भी लग सकता है शोरूम पे, 2,000 कम भी लग सकता है, मैक्सिमम 3,000 भी कम लग सकता है और मैक्सिमम 4,000 भी ज़्यादा लग सकता है। तो एक एवरेज प्राइस हम बात करेंगे, तो 1,32,000 एक्स शोरूम हो गया, 12,000 का इंश्योरेंस हो गया, तो 1,44,000। और अगर आप एसेसरीज लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और पे करना पड़ेगा, और नहीं लेते हैं तो आपको तो रोड टैक्स देना ही पड़ेगा, और एसेसरीज का मिला के आपकी गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी 1,48,000 रुपीज़ की। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, 1,32,000 तो आपको कंपलसरी देना है, रोड टैक्स आपको देना है, चाहे वो 2,000 हो, 3,000 हो या 1,000 हो, वो वहाँ डिपेंड करेगा कि आपकी ओला में वहाँ का रोड टैक्स कितना लग रहा है। तीसरी चीज़, आप अपना खुद का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, या तो आप खुद इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके लोगे तो वो 12,000 का इंश्योरेंस आपको 6,000 में भी दिला देगा, क्योंकि ओला कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस कभी नहीं बेचती है, वो भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से ही हैंड मिला ही रहती है। तो अगर आपके जान पहचान में कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है तो आप करा लेना, और अगर आपको ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि इंश्योरेंस मैं कहाँ से कराऊँ, किससे कराऊँ, तो चुपचाप से जो भी ओला के वेबसाइट में दिखे आप उससे इंश्योरेंस करा लेना। ICICI बेस्ट है और एको बेस्ट है, बाकी मैं सजेशन नहीं दूंगा, ये दोनों का काम जल्दी हो जाता है बिना कोई सवाल जवाब करे। तो आप इंश्योरेंस करा लें तो आपको बेसिक प्राइस जो पड़ेगा ना 1,47,000 पड़ेगा, और इसमें 2,000 कम भी हो सकता है आपकी स्टेट वाइज, अगर आप एसेसरीज नहीं लेते 1,44,45 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो 1,50 के अंदर आपको ऑन रोड गाड़ी पड़ेगी, तो टोटल गाड़ी आपकी पड़ जाएगी 1,50,000 के अंदर। उसके जस्ट पहले वाला मॉडल आता है अपने पास ओला S1 Air, उसकी एक्सशोरूम प्राइस बीच में कर दी गई थी, अभी ऑफर चल रहा था 1,01,000, अब वापस से हो चुकी है 1,03,000, कहीं कहीं पर वो 1,05,000 भी शो हो रहा है। तो जो बेस प्राइस है हम 1,05,000 लेके चलेंगे, उसमें अपना इंश्योरेंस जुड़ेगा, तो S1 Air का इंश्योरेंस S1 Pro के कंपैरिजन में 3,000 सस्ता है, तो आपको इसका इंश्योरेंस 9,000 से लेकर 11,000 के बीच देखने को पड़ेगा। एवरेज इंश्योरेंस मांग के चलते हैं 10,000 का, सेम प्रोसेस कर सकते हो अगर आपका कोई दोस्त है या आप खुद कहीं काम करते हो या आपके पहचान में कोई इंश्योरेंस है तो उससे करा सकते हो। तीसरा चीज़, उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी बिना एसेसरीज लगाए रोड टैक्स दिए 1,17,000, तो 1,17,000 में उतना बुरा सौदा नहीं है, 1,17,000 और 1,50,000 में बहुत मैसिव डिफरेंस हो जाता है। इस बीच में आप S1 Pro Gen 2 लेने का ऑप्शन बचता है या S1 Air लेने का ऑप्शन बचता है, किसको, जिसको म्यूज़िक सुनना है, मैप चलाना है, स्क्रीन टच चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं है। रेंज तो आपको 100 की ही मिलने वाली है S1 Air में, कोई 4 kW नहीं। फिर जस्ट उसके नीचे का मॉडल 1,00,000 एक्स शोरूम प्राइस है, जिसका नाम है S1 X 4 kW। 4 kW बेसिकली इसका बैटरी है, इसका एक्शन प्राइस 1,00,000 है, ऑन रोड ये आपको पड़ जाएगा 1,13,000 तक का। इसमें अब ऐसा क्या है, ये गाड़ी ही बहुत खास है, किस लिए, रेंज के मामले में 4 kWh की बैटरी है और इसका जो एक्चुअल रेंज निकल के आता है वो निकल के आता है 135 km। ये ईजिली चल जाती है नॉर्मल मोड में, 135 से कम तो ये देगा ही नहीं, और मैक्सिमम अगर आप इसको सिंगल राइडर में ड्राइव करते हो तो कंपनी तो 180-190 जितना भी बोले फिर भी आपको 150-155 तो चला ही देगा। तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 140-145 km आपकी गाड़ी चलेगी। तो ये गाड़ी किसके लिए है, रैपिडो के लिए है, ओला के लिए, ओला मतलब कि आप अगर वैसे में काम करते ओला रैपिडो में स्कूटी से उसके लिए है, तीसरा आप जोमेटो
जोमेटो डिलीवरी बॉय, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी में भी काम करते हो। चौथा, अगर आपका कोई कमर्शियल शॉप है या आपको अपना सामान इधर उधर करना रहता है तो आपको एक्टिवा का बहुत तेल जलता है, दिन में आपको 20 से 40 बार आना जाना करना रहता है, तो उसके लिए गाड़ी बेस्ट है। जिसकी रनिंग ज़्यादा है ना, उसके लिए 4 kW S1X बेस्ट है, एकदम कम प्राइस रेंज में पूरे इंडिया के EV मार्केट में, क्योंकि इतने सस्ते में इतना रेंज अभी तक तो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। बेसिक फीचर आपको मिल जाएंगे एकदम थोड़े से, पर ब्लूटूथ ऐसा कनेक्ट आप नहीं कर पाओगे, और गाड़ी का लुक आपको S1X प्लस S1X 2 kW 3 kW से लगभग देखने को मिलेगा। और पूरा डिटेल में जानना है तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, 4 kW के ऊपर आप देख सकते हो। तो जो भी लोग कमर्शियल यूज़ में इसको लेना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है। इसमें आप 3 kW बिल्कुल मत लेना अगर आपका कमर्शियल यूज़ है या डेली बहुत ज़्यादा रनिंग है, क्योंकि उसकी रेंज आपको एक्चुअल में 70 से लेकर 90 के बीच मिलेगी, और ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपका डेली रनिंग 100 किलोमीटर से ऊपर जाता है या 80 भी जाता है ना, तो 4 kW ठीक है, और डेली रनिंग अगर आपका 50-60 किलोमीटर जाता है तो 3 kW ठीक है, 70 भी चले जाता है तो रेयरली मैं 3 kW में सजेस्ट करूँगा, बट अगर 70 के ऊपर 1 किलोमीटर भी अगर आपका डेली रनिंग है ना, तो आप 4 kW की तरफ जाओ, आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा S1X प्लस, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपीज़। अब ये भी वेरी करिए कहीं ना कहीं पर 90,000 इसका बेसिक प्राइस है, ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा आपको 1,05,000 का, और वहीं हम बात करें S1X 4 kW की, वो पड़ेगा 1,15,000 का, और S1 एयर की वो पड़ेगा 1,18,000 का। अब तीनों में आप फंसना मत, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप 90,000 दे रहे हो S1X प्लस का, आपको उसमें क्या मिलेगा? सिर्फ बटन्स मिलेंगे, की बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो वो और सर दर्द है, तो आपको उसमें ज़्यादा पैसा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा लोग क्या करेंगे, ये 5,000 कम देके की वेरिएंट लेंगे। और जो लोग 1,15,000 अगर एक्स प्लस के लिए या 1,10,000 एक्स प्लस के लिए फंसाएंगे, उन लोग या तो एयर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर 3 kW बैटरी चाहिए तो काम करते हम लोग 4MOVES 4 का फ़ायदा उठाएंगे, स्क्रीन टच करेंगे, गाने बजाएंगे, अच्छी अच्छी फीचर्स देखेंगे, और फ्यूचर में जब तक हम जिंदा हैं, हमारी गाड़ी जिंदा है, उसमें नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। तो यहाँ कोई भी सेंस नहीं बनता है कि 7,000 कम देके आप एक वैसी वाली गाड़ी लो जिसमें कोई फीचर ना मिले और उसमें टच स्क्रीन भी ना मिले। तो उससे अच्छा अगर आप एक्स प्लस लेने वाले हो तो आप S1 एयर की तरफ जाओ, और अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो बेसिकली आपके लिए दोनों गाड़ी बिल्कुल नहीं बनी है, चाहे वो एयर हो या एक्स प्लस हो। तो जितने भी लोग कन्फ्यूज होते हैं ना, उनका डाउट क्लियर है। आँख बंद करके अगर आपको 3 kW ही लेना है तो एक्स प्लस मत लेना, उससे अच्छा S1 एयर लेना, थोड़ा फ़ायदे में रहोगे, थोड़ा डिजिटल रहेगा तो लगेगा गाड़ी में पैसा फंसाऊँ। और अगर बीच में लेना है 10,000 कम ही देना है तो आप ले सकते हो S1X 4 kW, क्योंकि आपको एटलीस्ट रेंज तो ज़्यादा ही मिलेगा। और अगर आप बेजबरन का 4 kW ले लिया और आपको चलना ही दिन में 20-30 किलोमीटर रहता है तो आपको वो पैसा बर्बाद करेगा, क्योंकि 1,15,000 ऑन रोड पड़ेगा आपका 4 kW, और 1,17-18,000 पड़ेगा आपका S1 एयर। तो फीचर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करोगे मेरे ख्याल से, 3,000 रुपये ज़्यादा देके, क्योंकि 4 kW आप लेके करोगे क्या, आप एक बार चार्ज करोगे और हफ्ते भर आपकी गाड़ी उतनी चलेगी नहीं। वो उसके लिए जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ है, और जो डिलीवरी का ये सब का काम जिनके लिए आता है, उनके लिए गाड़ी बहुत बेस्ट होने वाली। अब आते हैं हम लोग सीधा सबसे बेसिक प्राइस पे, 75,000 एक्स शोरूम X1X 2 kWh की बैटरी के साथ। इसका रियल रेंज है ना, अगर चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ये गाड़ी उसके लिए बनी है जिसका हाथ बहुत ज़्यादा साफ है, जैसे कि जो बहुत ही प्यार से चलाता है 30-40-50-60 की स्पीड में, तो स्टार्टिंग में ये आपको रेंज निकाल के दे देगी 70 किलोमीटर तक का, और जो बहुत ही प्यार से चलाएगा उसका ये 75 तक का दे देगी। बट कुछ लोग रफली चलाते हैं, तुरंत थ्रॉटल देते हैं, तुरंत छोड़ते हैं, तो उनको ये गाड़ी 50 का भी एवरेज नहीं देगी, और लॉन्ग टाइम पे इसकी बैटरी थोड़ी सी डिग्रेड होगी तो इसका एवरेज वैसे ही कम होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसका बेसिक और एक मिड पॉइंट का एवरेज निकालते हैं, तो आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे आप सोलो ड्राइव करो, किसी को बैठा के करो, ट्रिप्सी करो, या तेज़ चलाओ, धीरे चलाओ, तो ये आपको 60 किलोमीटर और कम से कम 50 किलोमीटर फुल चार्ज में दे ही देगी। और स्पोर्ट मोड में चलाते हो तो ड्रॉप होगा, मैं नॉर्मल मोड का बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका डेली रनिंग मिनिमम 20 किलोमीटर और मैक्सिमम 40 किलोमीटर है ना, तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। अगर आप इसको स्पोर्ट में भी चलाते हो तो ये 45 तक का दे देना चाहिए, 40 तक का दे देगा, क्योंकि 20% के बाद आपको ऑटोमेटिक इको मोड लग जाता है। और जितने प्यार से चलाओ तो आपको मैक्सिमम 70 तक का दे देना चाहिए। तो ये गाड़ी उसके लिए, और उसके अल्टरनेटिव पे TVS iQube भी है। इसका बेनिफिट क्या, वो आप जान लो। 95,000 एक्चुअल में इसकी प्राइस है, बट ये चार्ज 2 घंटे में हो जाती है। जी हाँ, आप इसको दिन में 70 किलोमीटर तो चला ही सकते हो, क्योंकि 2.2 kW की इसमें बैटरी है और उसकी बैटरी है 1.9 kW की। तो वहाँ यहाँ पे बैटरी आपकी 0.3 थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, और चार्जिंग टाइम उसका है 5 घंटा या 4 घंटा और इसका है सिर्फ 2 घंटा। और कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि 95,000 बहुत हो जाता है 2.2 kW के लिए, तो 95,000 आपके लिए चेतक के लिए बिल्कुल भी सूट करेगा, आप इसके तरफ भी जा सकते हो। बट सवाल आता है, अगर आपको सिर्फ ओला में ही लेना और उसमें बेस्ट गाड़ी बताओ, तो बेस्ट
गाड़ी सिर्फ मेरे नज़र में S1X की वेरिएंट 3 kW है, उसमें भी थोड़ा बहुत इशू आ रहे हैं। रेंज के हिसाब से बेस्ट बोला मैं, क्योंकि ना तो आपको कम मिलेगा ना ही ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा बेस्ट और टॉप में रहेगा मेरे प्रायोरिटी में S1 Pro Gen 2, उसमें रेंज भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी अगर आपको ओला में ही रहना। तो अगर ओला में नहीं रहना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट है आपका चेतक है, सेकंड नंबर पे एथर है, और रेंज थोड़ा सा कम चाहिए क्योंकि TVS की गाड़ी बहुत महंगी है, सबसे सस्ती ही 95,000 की है। तो अगर रेंज कम चाहिए तो TVS IQ पे, अगर रेंज ठीक ठाक चाहिए तो आपके लिए चेतक बेस्ट है, वरना एथर इस तरह तो टॉप पे है, ये भी बेस्ट है। और ओला में ही लेना और इनमें से कोई नहीं लेना तो ओला S1 Pro Gen 2 सेकंड ऑप्शन में आप रख सकते हैं 3 kW की वेरिएंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर।